कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही है और आलाकमान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कांग्रेस ने अध्यक्ष बदल कर देख लिया, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके भी देख ली, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी कथित तौर पर भारत को जोड़ने निकले थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को भी जोड़कर रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर पार्टी का यही हाल रहा और पार्टी में रहे वरिष्ठ नेताओं को भी उन पर भरोसा नहीं होगा तो आम लोगों को क्या ही भरोसा होगा राहुल गांधी पर। हालांकि ये बात राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। पार्टी को जोड़ने के बजाय वो पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी और पार्टी से लोकतंत्र पर खतरा बताने लगे और अडानी का राग अलापने लगे। लेकिन बीते दिनों कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। वहीं भूतकाल में गांधी परिवार के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस की पोल खोल दी। ऐसे में अब राहुल गांधी को इन नेताओं के बयान से जबरदस्त मिर्ची लगी है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा है कि अंडानी की कंपनियों में कथित बेईमानी पैसे किसके हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उन नेताओं पर ही निशाना साधा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। गांधी ने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा सरमा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा। राहुल ने अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का भी नाम जोड़ दिया है और कहा है कि सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेईमानी पैसे किसके हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अडानी के नाम के साथ साथ और 6 लोगों के नाम जुड़े नजर आ रहे हैं। इसमें गुलाम, सिंधिया, किरण, हेमंत और अनिल शामिल हैं। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि रोज भटकाते हैं लेकिन सच्चाई छिपाते हैं, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। तो देखा आपने अपने पुराने साथियों के प्रहार से कैसे कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए इन नेताओं और गुलाम नबी आजाद ने हाल ही के दिनों में राहुल गांधी पर कई खुलासे किए। ऐसे में अब राहुल गांधी को भी अपने पुराने साथियों को जवाब देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।